नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पहले लॉकडाउन और अब गर्मी के कारण लोगों ने अपने आप को घरों में लॉक किया। 44 डिग्री तक पहुंचा तापमान, लोग हुए हलकान तो बाजार पड़े सुनसान। लू के थपेड़ों से जनजीवन भी अस्त व्यस्त, गर्मी से मवेशी भी बेहाल। गर्मी बढ़ रही है और नरमे और कपास के लिए नुकसानदायक हो सकती है। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबो की विशेष रिपोर्ट। पिछले 2 महीनों से लॉकडाउन में लोगों ने अपने आप को घरों में बंद रखा, मगर अब गर्मी ने लोगों को घरों में लॉक करके रख दिया। इन दिनों गर्मी ने अपने प्रचंड रूप दिखा रखे हैं। हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार गर्मी और लू देरी से शुरू हुई, मगर अब जहां दिन का तापमान 44 डिग्री को छू रहा है तो वहीं न्यूनतम तापमान में भी जबरदस्त वृद्धि देखी गई। रात का तापमान भी इन दिनों 28 डिग्री के आसपास बना हुआ है। गर्मी के कारण हालात बेहाल हैं, बाजार पूरी तरह से सुनसान नजर आ रहे हैं। बाजारों में इक्का दिक्का दुकानें ही खुली नजर आएंगी। बाजार में केवल सब्जी और फल की दुकानें ही मिलेंगी। गर्मी के कारण हालात ऐसे हो गए हैं कि सड़कों और बाजारों में इंसान तो क्या जानवर भी गायब हो गए। लोग घरों में दुब के बैठे हैं। फ्रूट और सब्जी की दुकानों वालों ने कहा कि गर्मी काफ़ी बढ़ गई है और इसके कारण पानी की खपत भी ज़्यादा होती है, लेकिन लोग फ्रूट लेने के लिए अब नहीं आ रहे, अगर लोग आते हैं तो शाम को। वहीं गर्मी के सीजन में खरबूजा और तरबूज बेचने वाले रविश कुमार ने बताया कि हम लोग सुबह से फ्रूट की दुकानें लगाकर बैठते हैं, लेकिन तेज गर्मी और दोपहरी के कारण कोई नहीं आता। हालांकि तरबूज और खरबूजों की मांग काफ़ी बढ़ गई है। गर्मी के कारण छोटे दुकानदार और अन्य सामान बेचने वालों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। वहीं बढ़ती गर्मी नरमा और कपास की फसल के लिए भी नुकसानदायक है। ग्रामवासियों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि तेज पड़ती गर्मी के कारण गांव में तालाब, जोहड़ और सूखने के कगार पर है, जिससे पशु पक्षियों और मवेशियों के लिए पानी का संकट खड़ा हो गया। बढ़ती गर्मी और तेज लू की वजह से जनजीवन एक बार फिर से ठहर गया। गर्मी के तलत तेवरों को देखते हुए चिकित्सकों ने भी लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। आज गर्मी बहुत है, प्यास बहुत लग रही है, कोई ग्राहक भी नहीं है, बिल्कुल भी सुन सनाता है, रोड खाली पड़ा है, बिल्कुल ग्राहक भी नहीं आ रहा। पानी की प्यास बहुत लग रही है, ग्राहक कोई भी नहीं आ रहा, सुन सनाता है शहर में। गर्मी बहुत है सर, बिक्री नहीं बिल्कुल भी, कोई सुन सनाता है शहर में, ग्राहक भी नहीं है बिल्कुल। नाम क्या है? रमेश कुमार। हो रही है इसलिए प्यासे ताए मरण लग रहे हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, पानी कोई व्यवस्था नहीं है, और मैं क्या करें, चलते चलते थक जाते हैं जी। बहुत दूर तक कोई छाया नहीं है, कोई पेड़ नहीं, कोई दरख्त नहीं है जी। भाई जी क्या परशुराम, इतना बुरा हाल हो चुका है कि हम अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड के साथ मोटरों पे नहाने जा रहे हैं, नहर पर नहाने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है और धूप में बंदा अकेला चल भी नहीं सकता ऐसे, इसलिए मैंने कैप भी डाल रखी है और साफ भी ले रखा है। क्या नाम है? नवाब नाम है जी। गर्मी का टेम्परेचर पहले से बहुत आई है जी, पहले गाँव बहुत बढ़िया तरीके से चलता था, लेकिन आजकल जो है गाँव घरों से बाहर नहीं निकल रहा है। गर्मी के कारण लोड चल रही है, जिसके कारण कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा, सबको बीमार होने से डर लगता है। बाकी ये चीज़ फ़ायदेमंद है, इसमें पानी होता है जो गर्मी में फ़ायदेमंद होता है। बाकी हम सुबह के आए हुए हैं जी, अब 11 का टाइम हो गया जी, हमारी कोई बोनी बुनी नहीं हुई जी, कोई बैठे हैं जी किसी आस के लिए, घर से आए हुए हैं जी। ये खरबूजा और तरबूज जी, इसमें पानी होता है जी, ये शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है गर्मी में, ये सेहतमंद व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरत बड़ा साधन है, इसलिए ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। पर लेकिन गर्मी में लोग के कारण कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है, जिससे हमारा बहुत मंदा हाल है। क्या नाम है? मेरा नाम सतवीर सिंह। इससे क्या एहतियात करें? दोस्तों, लू से बचने के लिए सबसे मेन उपाय है कि आप धूप में ज़्यादा जाएं ना। जब आपको पता है कि 11 बजे के बाद धूप काफ़ी हो जाती है, तो उस टाइम आप अपनी गतिविधियाँ रोक लें या कम कर लें, या छाया में करने की कोशिश करें। अपने सिर को ढक के रहें, शरीर को ढक के रहें, कोशिश करें कि अपने सारे काम 11 बजे या 12 बजे से पहले पहले निपटा लें, और जितना हो सके तरल पदार्थों का यूज़ करें, और जहाँ जिन फलों में रस ज़्यादा होता है वो फल लें, शिकंजी का प्रयोग करें, लस्सी का प्रयोग करें, अधिक से अधिक पानी पिएं। इतना करने से हम इन चीज़ों से बचे रहेंगे। अगर हम जो मजदूर लोग हैं जो धूप में लगे रहते हैं,
उनको इस चीज़ से ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो इतनी धूप में 2-3 बजे जब धूप का प्रकोप ज़्यादा होता है उस टाइम वो काम कर रहे होते हैं। तो इन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी वर्कर्स अपना काम करना चाहते हैं वो 11-12 बजे से पहले काम करना टालें, और पीक आवर में जिस टाइम धूप का प्रकोप ज़्यादा होता है उस टाइम आप आराम करें या छाया में काम करें और सिर को ढक के रखें, अधिक से अधिक तरल पदार्थों का प्रयोग करें।